नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है आपको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पढ़ा हम लोगों ने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और अब हम लोग डाल रहे हैं पार्ट फोर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव के बारे में, जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा हमारा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तो देख लें जरूर, क्योंकि एडजेक्टिव को मैं बांटता हूँ उसको 3 लेवल में। तो लेवल वन रहता है हमारा, लेवल टू और लेवल थ्री। लेवल वन में जो हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव को पढ़ते हैं बेसिक, जिसमें आपको ये जानकारी मिलती है कि ये दिया गया वर्ड एडजेक्टिव है भी या नहीं, उसमें आपको ये जानकारी मिलती है पूरी। लेवल टू में हम लोग जो पढ़ते हैं एडजेक्टिव को डिग्रीज में बांट देते हैं, डिग्रीज में बांट देते हैं हम लोग एडजेक्टिव को। यस, उसका लेवल थ्री में जो है हम लोग पूरा एडवांस को पढ़ाते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और लेवल वन के मैं दोनों पार्ट डाल चुका हूँ, वीडियो वन और वीडियो टू में जो आप लोगों ने देखा पार्ट वन और टू में, वो लेवल वन था। अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे लेवल टू में आपने जो पार्ट थ्री देखा और आज जो मैं डाल रहा हूँ पार्ट फोर, ये लेवल टू में रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ को आ जाएंगे पार्ट फोर, सॉरी पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स में। इस तरह से आपका ये एडजेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों के सामने एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कंपटीशन में अब नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आप लोगों का चैनल है स्टूडेंट्स। जितना ग्रोथ करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे हम लोग सब। तो हम लोग लेवल टू का आज पार्ट फोर बना रहे हैं, पार्ट थ्री से पहले डाल चुका था, हालांकि उस दिन जो हम लोगों ने वीडियो बनाई बहुत जल्दी में थी, हमारे पास उसके सिर्फ 20 25 मिनट थे, तो बहुत जल्दी जल्दी हमने वीडियो बनाई, तो बहुत जल्दी 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 करते करते वो वीडियो थोड़ी सी हमारी वॉइस क्वालिटी होना पड़ा। लेकिन आशा करता हूँ कि आपको आज हमारे पास बिल्कुल समय है स्टूडेंट, जैसे कि आज आप जानते हैं आज संडे भी है और आज हम फ्री भी हैं, कोई बैच नहीं होता है पूरे दिन, कोई काम नहीं है पूरे दिन, आप लोगों के लिए हाजिर हुए थे वहाँ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एडजेक्टिव का डिग्री चल रहा है हमारा और डिग्री का चल रहा है आज हमारा पार्ट फोर, यानी कि लेवल टू का पार्ट फोर हम लोग पढ़ा रहे हैं आज और उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं क्या करना है हमारा। तो लेवल टू एडजेक्टिव, लेवल टू पार्ट फोर जहां हमने बांटा था इसको डिग्री में, आज हम बात करेंगे डिग्रियों की डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जब आप अपने आप को या किसी दूसरे को सर्वोपरि या सबसे नीचा आप बात कर रहे हो तब आप इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। लाइक आपने कहा शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल। यस, एक फिल्म शाहरुख खान की फिर भी दे रहे हिंदुस्तानी, उसके अंदर भी शाहरुख खान का गाना था, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ। तो शाहरुख खान बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसी भी डिटरमाइनर का आना जरूरी है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसी भी डिटरमाइनर का आना जरूरी है। आप ये मत कहिएगा कि दा का आना जरूरी है, क्योंकि बुक कुछ बुक्स बोलती हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा कंफर्म आता है, बस ये कहने में अच्छा लगता है। लेकिन दा को आप डिटरमाइनर्स में ले जाएं और फिर चेक करें माय और योर हिज हर दा और देयर, तो इन किस इनमें से किसी एक का आना जरूरी है तो ही वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज राजकुमार, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो राजकुमार है, तो यहां पे अगर हम लोग चेक करें तो ये सुपरलेटिव डिग्री हुई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लगाया
माई, माई तो दा है ही नहीं। अब अगर आप इसको ऐसा सोच रहे कि द माई बेस्ट फ्रेंड, या फिर आप सोच रहे हैं कि माई द बेस्ट फ्रेंड, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा, सेंटेंस दोनों भी गलत हो जाएंगे, बिकॉज ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो डिटरमाइनर एक साथ आ चुके हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। सो आप किसी भी एक डिटरमाइनर का यूज कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, यही रूल है। ओके स्टूडेंट्स, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप किसी भी एक करिए डिटरमाइनर का यूज, सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, सबसे पहली बात तो यही है। अभी सुपरलेटिव भी जो है दो तरह के होते हैं, और दोनों ही तरह की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एग्जाम से जुड़े हुए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे वैसे भी। सुपरलेटिव के जो सेंटेंस जो है दो तरह से आते हैं। आपने कहा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। अगर मैं टाइप टू की बात करूं, ये टाइप वन था और ये टाइप टू है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो जो बदलाव हमें देखने को मिले दो सेंटेंस को देखेगा यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस में एक तो वन हो पाया, मैंने थोड़ा बड़ा देखा इसको, और यहाँ प्लूरल नाउन आ गया, यहाँ प्लूरल नाउन भी आ चुका आपका, और यहाँ आ चुका है वन ऑफ। क्या आ चुका है यहाँ पे? वन ऑफ। ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, सेंटेंस सिंपल चला है। तो दोनों को ही बनाने के तरीके अलग अलग होंगे और दोनों से एरर भी कुछ अलग तरह की आएगी। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप वन की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैं अब एडजेक्टिव भी लिखा हुआ मिटा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया इसको। सुपरलेटिव का हम लोग पढ़ रहे हैं पहले टाइप वन। आपने कहा शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ सहारनपुर, शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ सहारनपुर, सहारनपुर की सबसे बेस्ट गर्ल है। स्टूडेंट थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, इसमें मान लो चल नहीं रहा है, और कर दीजिए वीडियो। तो सी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ सहारनपुर, यू आर द tallest boy of this batch, Priya is the most diligent girl, Neha is the busiest girl। So ये रहे आपके टाइप वन का सेंटेंस, और टाइप वन का सेंटेंस यानी सुपरलेटिव को आपको बदलना होगा कंपैरेटिव और पॉजिटिव में, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे टाइप वन को, पहले उसको चेक करेंगे, फिर आप टाइप टू पर चलेंगे। लेकिन मेरे पास एक सेंटेंस है, हमने लिखा कि प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, टाइप वन सुपरलेटिव डिग्री। इसको हमें बनाना है पहले पॉजिटिव। अगर हम लोग पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इसकी नो अदर से, किससे? नो अदर से, और डिग्री के बाद सारा नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल। गर्ल को देखते हुए हमें लगानी है वर्ब, क्या लगानी है हमें यहाँ पे? वर्ब। गर्ल सिंगुलर है इसलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इज। सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर वो प्रेजेंट तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा। नो अदर गर्ल इज, ये हट जाएगा आपका, पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, और ये कुछ पॉजिटिव डिग्री होता है। नो अदर गर्ल
सॉरी माफी चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे नॉर्दर्न गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया। तो यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिला टाइप वन को बनाने का वो रहा नॉर्दर्न प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस एज एज और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस वो नाउन। एग्जाम में जो प्रॉब्लम इसको लेकर के आ रही है वो ये आ रही है एग्जाम में कि सेंटेंस के बीच में अगर कभी भी आपको एज एज या सो एज दिख जाए तो सबसे पहले तो चेक करें कि यहाँ पॉजिटिव डिग्री है भी या नहीं, और अगर यहाँ पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पक्का नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी रहने वाला है। एग्जाम में प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आएगी। जरा देखते हैं कुछ और सेंटेंस भी एग्जाम में आए हैं और फिर बात करते हैं अगले भी कंपैरेटिव की, फिर हमें बहुत कुछ सीखना है। उसको स्त्री बना सकता था, कह सकता था नो गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया। तो यहां पर आपको दिख रहा है सेंटेंस मारा है एज एज, साथ मारी है पॉजिटिव डिग्री, तो पीछे नो अदर का आना जरूरी था और गलती आप निकल जाएगी पार्ट ए में। इस तरह से अगर एग्जाम में पूछ ले तो ओके स्टूडेंट, पार्ट ए आप करेक्ट करके आएंगे इसका, यानी कि एरर निकाल के आएंगे, आपको आंसर मिलेंगे, उसके नंबर मिलेंगे। ऐसे पूछ सकता है आपसे, कह सकता है नो अदर गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज प्रिया। तो यहाँ पे नो अदर के साथ आता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो ये भी गलत है आपका। इस तरह से आपको ऐसे भी कह सकता है नो अदर गर्ल इज एज मोर ब्यूटीफुल एज प्रिया, तो ये भी रहेगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग, क्योंकि एज एज के साथ में कभी भी कंपैरेटिव वर्ड नहीं आता है। जैसे कि हमने टाइप वन में पढ़ाया था, सॉरी टाइप पार्ट थ्री में सॉरी बताया था आपको कि पॉजिटिव की पहचान बताई थी, यदि सेंटेंस में एज एज सो एज टू टू और सो दैट हो तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव बनने वाला है। सेंटेंस था आपका अभी फिर से प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम लोग बनाएंगे इसको कंपैरेटिव, क्या बनाएंगे इसको हम लोग कंपैरेटिव। कंपैरेटिव जब आप बनाएंगे तो सेंटेंस प्रिया से ही शुरू होगा, प्रिया सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, इज ये वर्ड हट जाएगा, आ जाएगा कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल देन। और अगर सिंगुलर नाउन है तो आपको लगाना है यहाँ पे एनी अदर, क्या लगाना है एनी अदर गर्ल। तो कंपैरेटिव का भी आपको एक फॉर्मूला मिल चुका है कि सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री फिर देन और एनी अदर आपको अपनी तरफ से लगाना है और सिंगुलर नाउन। इसका भी ध्यान रखिएगा कि एनी अदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, क्या आएगा हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। आपको एनी अदर की जगह खाली अदर दे सकता है, प्लुरल नाउन दे सकता है, यानी कि इस तरह का सेंटेंस को कह सकता है कि प्रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर गर्ल। तो ये गलत हो गया क्योंकि ऑल कह दिया तो बहुत सारी हो गई, जबकि यहां पर आगे सिर्फ अदर सॉरी गर्ल ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया आपका। तो यानी कि आपको सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा लगाना है एनी अदर, क्या लगाना है एनी अदर। जरा दो चार सेंटेंस और देखते हैं इसके, सागर इज द
टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस बैच, तो हम उसको बनाएंगे पहले पॉजिटिव, सो बनेगा ही पॉजिटिव नो अदर से, नो अदर डिग्री के पास सारा ले दीजिएगा आप लोग, नो द बॉय ऑफ दिस बैच और वर्ब बॉय के हिसाब से आएगी इज एज टॉल एज सागर, नो द बॉय ऑफ दिस बैच इज एज टॉल एज सागर। अगर आप इसको बना रहे हैं कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव कुछ इस तरह से रहेगा सागर is more, sorry माफी चाहूंगा बच्चों, सागर is taller than any other boy of this batch, so सागर is taller than any other boy of this batch, okay students, all get the sentence, कह रहा है कि She is the most intelligent girl of Saharanpur. तो बनेगा इसका पॉजिटिव नो अदर डिग्री के बाद सारा गर्ल ऑफ सहारनपुर इज as intelligent as she, और जब आप comparative बनाएंगे तो बनेगा she is more intelligent than any other girl of So, ये रहा आपका टाइप वन सुपरलेटिव का, जिसको आपने पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाना सीखा। अब इस सेंटेंस के सॉरी वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो अभी देखते हैं पहले टाइप टू सुपरलेटिव का और फिर उसको पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाएंगे, लेकिन पहले टाइप टू के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फिर उसको कंपैरेटिव और पॉजिटिव कैसे बनाना है उसके बारे में बात करेंगे और फिर देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। तो देखते हैं टाइप टू का कुछ सेंटेंस, ये रहा मेरे पास टाइप टू, कह रहा है कि शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स, शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, तो ये रहा वन ऑफ और ये रहा आपका प्लुरल नाउन, Priya is one of the youngest daughter of her family. Priya is the so आपने कहा this book is one of the costliest books. So ये रहे आपके type 2 superlative के कुछ examples, और यहाँ पे हमसे हुई है कुछ गलतियां, आपको देखना है हम गलतियों में क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर वन ऑफ आएगा तो पूर्ण नाउन आएगा, और आप लोगों ने शायद गौर किया हो या ना किया हो, यहाँ पे वन ऑफ के साथ में डॉटर्स हमने नहीं लगाया जो कि लगाना था, ओके उसके बाद ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, वन ऑफ प्लस बुक्स आपका सेंटेंस है। अब इसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदलना है वो देखते हैं स्टूडेंट्स, चलेगा मेरे साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। आपने कहा This book is one of the
कॉस्टलियस बुक्स, दिस बुक इज वन ऑफ द कॉस्टलियस बुक्स। तो वन ऑफ के साथ में आ गया है प्लुरल नाउन। जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, सॉरी पॉजिटिव बनाएंगे पहले हम लोग, तो पॉजिटिव इसका बनेगा वेरी फ्यू से, किससे बनेगा वेरी फ्यू से, और आपका आ जाएगा डिग्री के बगाड़ा सारा, जैसे हमारा तो मोदर के बाद सारा, तो वेरी फ्यू बुक्स, वेरी फ्यू बुक्स। अब वर्ब इसके हिसाब से आएगी आर, सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, आर एज एज या सो एज में कोई एक, और पॉजिटिव डिग्री एज कॉस्टली एज दिस बुक। So very few books are as costly as this books. आपने फिर से कहा एक और सेंटेंस ले लेते हैं, या इसको एक और लेते हैं, चलिए प्रिया इज द, सॉरी प्रिया इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट girls of the earth, so banega iska very few girls of the earth, very few girls of the earth are as happy as priya। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बात पकड़ लिया बड़ी अच्छी सी, जो कि बात है वो ये है कि आपको यहां लगाना है वेरी फ्यू, क्या लगाना है वेरी फ्यू, साथ में आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्योंकि फ्यू के साथ हमेशा काउंटेबल आते हैं, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, साथ में आपको लगाना है एज एज या सो एज में से कोई भी एक, और इसी पे चलना चाहिए आपकी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, और उसके बाद में दूसरे वाला नाउन या सब्जेक्ट जो आपने यहां लगाया था। तो ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर, यानी कि आपने एक बात जान ली दोनों सेंटेंसेस में, वो मैं बात बताता हूं आपको। अगर उसको बनाते हैं कंपैरेटिव, क्या बनाना है इसको हमें कंपैरेटिव, कंपैरेटिव जो बनेगा तो यही से बनेगा, दिस बुक इज, ये हट जाना है यहां से, इसके आगे कंपैरेटिव डिग्री कॉस्टलियर देन, प्लूरल नाउन है इसलिए आप अपने तरफ से लगाएंगे ऑल अदर या मोस्ट अदर, तो दिस बुक इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर या मोस्ट अदर बुक्स, This book is costlier than all other या most other books। इससे पहले आप लोगों ने जब सेंटेंस बनाया तो आपने बनाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, और वहां लगाया था आपने एनी अदर, यहां आ गया आपका ऑल अदर या मोस्ट अदर में से कोई एक, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाद आया है प्लूरल नाउन, क्या आया इसके बाद में प्लूरल नाउन, तो इसी से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया बाहर, वो ये रहा कि अगर सेंटेंस में हो नो अदर, क्या हो सेंटेंस में नो अदर, तो आएगा आपका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अगर हो वेरी फ्यू तो आएगा प्लूरल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आगे वाला स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है इसका, एज एज यहां भी और यहां भी, और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव बीच में रहेगा इनके, तो आगे वाला तो स्ट्रक्चर सेम है। अगर बात करें कंपैरेटिव की तो कंपैरेटिव भी कुछ इस तरह से रहने वाला है आपका, कंपैरेटिव में भी हमने बताया आपको के पहले वाले मारा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री और देन
यहां लगाया आपने एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, दूसरे वाले में आपने लगाया था ऑल अदर या मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने यहां पे एक बात सीखी, अगर आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्योंकि ये भी आपको आना चाहिए था बनाना, बड़ा बेसिक से आपको लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको एडजेक्टिव फिंगरटिप्स पर आ जाए, आपको एडजेक्टिव से आने वाली कोई प्रॉब्लम आपके सामने कभी ना आए। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, आपके पास है वर्ड आपके चार, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर। मोस्टली मैंने देखा एग्जाम में इनको लेकर के मिस्टेक दी जाती है, इनका इस्तेमाल कभी पॉजिटिव में कर देता है कभी सुपरलेटिव में। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों वर्ड का इस्तेमाल हमेशा हमेशा होगा कंपैरेटिव डिग्री में, इसमें होगा कंपैरेटिव डिग्री में। उसके बाद इसको याद रखिएगा, ये सिंगुलर में इस्तेमाल होता है और ये दोनों होते हैं आपके प्लूरल में इस्तेमाल, इसमें होते हैं प्लूरल में इस्तेमाल। तो एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर हमेशा 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 इस्तेमाल होंगे कंपैरेटिव डिग्री में। उसके बाद में आपने एक चीज और देख ली, वो है आपका नो अदर और वेरी फ्यू। नो अदर और वेरी फ्यू यानी कि अगर सेंटेंस के बीच में है आपका कहीं भी एज एज या सो एज और साथ में है पॉजिटिव डिग्री, साथ में है पॉजिटिव डिग्री, ऐसे पकड़ेंगे आप मिस्टेक। अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी दिख रहा है आपको एज एज या सो एज और बीच में पॉजिटिव डिग्री है, तो ये बात पक्की है कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन और यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा, और कई बार आपको अदर और फ्यू लगा देता ही नहीं, कहता है खाली नो गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शी या फिर वेरी गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शी। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका यहाँ पे अदर और फ्यू को आना जरूरी है अगर एज एज और शो एज आगे आया हुआ है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना यहाँ पे लेवल टू में काफी रहता है। ओके, तो मैं कुछ सेंटेंस छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सेंटेंस को बनाइएगा। प्रिया इज द मोस्ट डिलीजेंट गर्ल, आपको उसका पॉजिटिव कॉम्पेटिव दोनों बनाना है। I am one of the best students, आपको उसका भी पॉजिटिव कंपेटिव दोनों बनाना है। This center is the best center और इंग्लिश ग्रामर, तो आपको उसका भी पॉजिटिव कंपेरेटिव बनाना है, साथ में आपको पहचानना भी है सुपरलेटिव का टाइप वन है या टाइप टू है, इसको भी पहचानना है। और माय सिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, इसको भी बनाना है पॉजिटिव या कंपैरेटिव। और बस चार सेंटेंस बहुत है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ कि आप इन चारों सेंटेंस को बनाएं और मुझे जवाब भेजें। अगर आप भेजना चाह रहे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में भी जवाब भेज सकते हैं, चाहे तो मुझे पर्सनली भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 9258723929 पे। कल भी एक रात बच्चे का जवाब आया कह रहा था आपकी वाली बुक कॉल पढ़ा दीजिए, हमें हमारा एग्जाम है मध्य प्रदेश से था लड़का, हूँ महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से। तो इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहता है, तो हौसला मिलता रहता है वीडियो बनाने का। तो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का आपने आज देख लिया है लेवल टू का पार्ट फोर, पार्ट फोर हम लोगों ने डाल दिया है। अब लेवल थ्री पर हम लोग चले जाएंगे एडजेक्टिव के, जहां पे एडवांस शुरू हो जाएगा एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के वहां दो पार्ट खत्म होने के बाद एडजेक्टिव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आशा करता हूँ कि आप लाइक देके जाए, इस पे कमेंट करें, शेयर करें, जिसकी और ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे और लोग देखें इसको, आपके भाई का नाम हो। ओके सो स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।